हाँ तो बच्चों अब देखो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। काई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड हैविंग नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। तो मोल फ्रैक्शन का रियल मीन्स क्या होता है इसको हम समझेंगे। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो एक सॉल्यूशन है या कोई मिक्सर, इसके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स होंगे एन ए, और ये एक सब्सटेंस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स बी है, ठीक है। अब जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो यहां से एन ए प्लस एन बी मिलेंगे, यानी कि ये आपको ए थे, ये आपको बी और ये आपको ए बी मिल गए, ठीक है। तो यहां से जो आप मिक्सर रख रहे हो, इस मिक्सर में यहां पे दो कंपोनेंट थे ए और बी, इन दोनों को मिक्स करने पर क्या बना? एन ए प्लस एन यानी कि ए बी बना। और इस ए बी मिक्सर में ए के कितने पार्ट्स हैं और बी के कितने पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स का फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है, ओके। तो यहां से आप लोग समझो यहां से अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो ए का मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? काई ए लिखेंगे। तो काई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यहां से काई बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, आपको जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला जाए उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप ऊपर लिखोगे और डिवाइड कर दोगे टू द सम ऑफ द मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि दोनों यहां दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के सम से क्या करेंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे और यहां से हमको काई और काई बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और आपको एक बात बता दें कि किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का सम वन के इक्वल होता है, इट मींस कि यहां से काई ए प्लस काई बी इक्वल टू वन, आप इस बात को भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगर इसके बारे में जानना हो कि क्यों होता है आप यहां से काई ए प्लस काई बी लिख दो, काई ए का वैल्यू लिखो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यहां से एलसीएम ले लो वन टाइम्स एन ए भी वन टाइम्स एन बी, और ये कट कर क्या आ जाएगा वन। यहां से आपने देखा काई ए प्लस काई बी इक्वल टू वन हो गया, तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। देखो जैसा कि अगर मान लो कि अगर आपके पास तीन कंपोनेंट हो, ए हो बी हो और सी हो, ठीक है, तो इन तीनों को अगर आप मिक्स करते हो ए बी सी बनता है, यहां से इन तीनों के कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स का आप मिक्स करो एन ए बी सी हो गया। तो इस ए बी सी वाले सॉल्यूशन में यहाँ थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उन थ्री कंपोनेंट्स में अगर हमें एक कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? ए के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे तीनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स के सम से, ठीक है। सिमिलरली
काय बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी एंड काय सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और यहां से काय ए प्लस काय बी प्लस काय सी इज इक्वल टू वन, जो कि मोल एक सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम वन के इक्वल होगा। ओके, तो यहां से आप इसको नोट कर लो और ताकि हम लोग इसके आगे बढ़े और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाए। चलो बाबू, तो देखो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन फिर से दिए हैं जो कि मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जो है आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। देखिए कह रहा है कि ए सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड 120 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट्स कितने हैं, तो दो हैं, एक वाटर है और एक मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, और कह रहा है कि जब इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, तो उस सोल्यूशन में मिथाइल अल्कोहल और वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इन दोनों का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो गिवन है आपके पास W, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH जो कि 60 ग्राम है। यहां से नंबर ऑफ मोल्स अगर इसका हम कैलकुलेट करेंगे, आप देख सकते हो 12, 3, 15 और 16, 15 और 16 और 16 32, 32 ग्राम पर मोल। यहां से नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं कैलकुलेट करना, गिवन मास बाई मोलर मास, तो 60 बाई 32 15 बाई 8 मोल। ठीक है, सिमिलरली यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वाटर के लिए। तो वाटर का मास दिया गया है 120 ग्राम, वाटर का मोलर मास आप लोग जानते हो 18 ग्राम पर मोल। यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वाटर का 120 अपॉन 18, 6 20 जा 120, यहां से आपका हो गया 20 बाई 3 मोल। ओके, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ये करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। यहां से जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिखो और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स के सम से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। यहां से आपको मिल जाएगा 15 बाई 8, 15 बाई 8 प्लस 20 बाई 3, और इसको आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद आपको इसका मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपसे कहा जा रहा है काय एस टू, तो काय एस टू का निकालने के लिए वही दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि यहां से एन एस टू अपॉन एन सी एस थ्री ओ एस प्लस एन एस टू लिख दो, या फिर आप जानते हो कि किसी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हो उन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम अगर वन के इक्वल होता है, तो अगर आपके पास एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप वन माइनस काय सी एस थ्री ओ एच कर दो और यहां से जो मिलेगा आपको वो एस टू का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.25 एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन दिया गया, इसका मतलब कि सॉल्वेंट के फॉर्म में आपके पास वाटर है और सॉल्यूट कौन सा है, तो सॉल्यूट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं दिया गया, लेकिन उस सॉल्यूट्स का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है।
तो भाई सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरा जो कंपोनेंट से सॉल्वेंट उसका नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे पहले उन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है तो उस गिवन क्वेश्चन से यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उस इंफॉर्मेशन में आप देख लो कि 0.25 m दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि 0.25 m, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया यहीं पे बोर्ड पे हमने लिखा था कि ym is equal to y mole of solutes present in per kilogram of solvent। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें, फ्रॉम द गिवन डाटा जीरो पॉइंट टू फाइव एम मीन्स 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन थाउजेंड ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां से आप देखो आपको क्या मिल गया, 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट्स के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, एन सॉल्यूट आपको मिल गया 0.25 मोल। और आपके पास क्या है तो देखिए वाटर के तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम नहीं है बट वाटर का मास गिवन है, W2H इक्वल टू 1000 ग्राम और वाटर का मोलर मास आप जानते हो 18 ग्राम पर मोल। तो यहां से आप वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो 1000 अपॉन 18 55.5। ओके अब जो है आपसे क्या पूछ रहा था तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और यहां से अगर सॉल्यूट निकालना हो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन एच टू ओ, यहां से 0.25 ठीक है 55.5 और इसको आप सॉल्व कर लोगे तो इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है तो ये रहे आपके दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे जो आपका बेसिक है और आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है आप इसको नोट कर लो ताकि हम इसको मिटा दें। हाँ तो बच्चों अभी मैंने जस्ट अभी पढ़ा मोल फ्रैक्शन के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है तो मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस में भी सॉल्व करेंगे। ओके तो यहां पे ध्यान दो, जैसा कि आप जानते हो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है तो देखिए मोल फ्रैक्शन में आपको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और मोलरिटी भी एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ही होता है। ठीक है तो आपके पास मोल फ्रैक्शन के लिए मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट से ए एंड बी, यहां से लेट अस सपोज that the components are
A and B having number of moles N A and N B respectively. ठीक है, तो याद है मुझे दो कॉम्पोनेंट्स हमने मान लिया A और B है और उन दोनों कॉम्पोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स N A और N B है. ठीक है, तो यहां से जो है मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, तो अगर आपने सॉल्यूट्स A को जो है अगर आपने सॉल्वेंट मान लिया एंड B को सॉल्यूट, ठीक है, तो यहां से जो हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू एन बी अपॉन बी सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, और इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग अगर मिली लीटर दिया हो तो क्या करते हैं, थाउजेंड से डिवाइड कर देते हैं. अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. जैसे ही आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. अब सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास के सम से. तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है, तो डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन डी. यहां से आपको मिल रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब रही बात कि अभी गिवन मास होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट्स प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, बट गिवन मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो यहां से गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. तो यहां से आप लिख सकते हो एन बी इंटू एम बी प्लस एन ए इंटू एम ए अपॉन डी. यहां से आपने क्या कैलकुलेट किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अब जो है इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप यहां पुट कर दो, तो यहां पुट कर दोगे तो यहां से आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो एन बी अपॉन वॉल्यूम की जगह क्या पुट कर दो इसको एन बी एम बी प्लस एन ए एम ए अपॉन थाउजेंड इंटू डी. ठीक है, अब जो है इसको अगर आप चेंज करते हो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन बी इंटू थाउजेंड डी एन बी एम बी एन ए एम ए ओके ऑन डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन ए प्लस एन बी. यहां से मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. एन ए प्लस एन बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप डिवाइड कर दोगे
एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू एम बी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू एम ए। और यहां से फाइनली जो है आपका ये बन जाएगा काई भी, चूंकि आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्वल टू काई भी इनटू 1000 डी। यहां से काई भी एम बी काई ए एम ए, ठीक है। ये जो रिलेशन मिला ये आपको मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन देता है, ठीक है। तो इस रिलेशन पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको लिख लो ताकि हम इसको मिटा दें। हाँ तो बाबू अब चलो यहां ध्यान दोगे आप, एक क्वेश्चन है हमारे पास जहां से क्वेश्चन क्या है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% बाय मास, मतलब कि सॉल्यूशन को वाटर में मिलाकर मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें ग्लूकोज का मास परसेंटेज आपके पास गिवन है 10%, एंड व्हाट वुड बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो देखो सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो यहां से आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन का जो है आपके पास डेंसिटी दिया गया है, सॉल्यूट का मास परसेंटेज दिया गया है, तो आखिर इसको हम इसकी मोलरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से इस फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, ताकि आप उससे मोल फ्रैक्शन निकाल सको और मोल फ्रैक्शन निकाल करके आप इस फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हो। जैसे आपके पास गिवन है कि 10% का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन का मास अगर हम लोग 100 ग्राम मान लेते हैं, तो याद रखोगे कि परसेंटेज वाले केस में हम लोग सॉल्यूशन के मास को 100 ग्राम मान लेते हैं। लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम एंड 10% जो है सॉल्यूट का मास है, ग्लूकोज का मास है, तो मास ऑफ ग्लूकोज 10% का 100 ग्राम का 10% आपका हो गया 10 ग्राम। तो और यहां से जो है वाटर में इसको मिलाया गया है, तो 100 ग्राम अगर आपने सॉल्यूशन लिया और 10 ग्राम से सॉल्यूट है, तो वाटर का जो मास होगा वो आपका हो जाएगा 90 ग्राम, ठीक है। अब यहां से आप दोनों के मोलर मास को निकाल लो, कैलकुलेट कर लो, ताकि इसके नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाए। यहां से 180 ग्राम पर मोल, यहां से इसके मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ओके 10/180, यहां से नंबर ऑफ मोल्स 90/18 5 मोल 1/18 मोल ओके। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, तो दोनों के आप क्या करो मोल फ्रैक्शन निकाल लो। काई ए का मतलब यहां पे अगर आप ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो 1/18 क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल सम ऑफ 1/18 प्लस 5, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे 1/18 1 प्लस 90 ओके, यहां से कैंसिल
यहां से हो जाएगा 1/91। अब अगर एक का आप निकल गया तो दूसरे के निकाल लो, 1 माइनस 1/91, 91 माइनस 1/91, 90/91। ठीक है, यहां से इन दोनों के मोल फ्रैक्शन निकल गए। अब जो है डेंसिटी आपके पास गिवन है, डेंसिटी आपके पास गिवन है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो यहां से आप मोलरिटी कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ पे बी जो है, बी आपके सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सोल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज है। मोलरिटी इज इक्वल टू काई ग्लूकोज 1000 × D काई ग्लूकोज एम ग्लूकोज प्लस काई H2O MH2। हाँ, तो अब यहां से देखेंगे मोलरिटी इज इक्वल टू काई का वैल्यू पुट करेंगे, तो काई का वैल्यू में कितना मिला था, 1/91 × 1000 × D का वैल्यू। तो D का वैल्यू आपके पास यहाँ है 1.2 / काई का वैल्यू फिर से 1/91 × M का वैल्यू 180 प्लस काई H2O का वैल्यू 90/91 × MH2O का वैल्यू 18। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके जो भी वैल्यू मिलेगा उसे आप लिख लोगे, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लो ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे।